हमारे समाज में जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी समाज में से डॉक्टरों के हैवानों वाला चेहरा सामने आया है। ये घटना है आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल वेदांता की, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जब एक परिवार ने अपने मरीज राम के सोनी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन वहां इलाज के नाम पर उनसे पैसों की लूट की गई। परिवार वालों का आरोप है कि उनके मरीज को इमरजेंसी में भर्ती किया गया था, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जानबूझकर वे यही कहते रहे कि यह अभी जिंदा है। और इसके नाम पर पहले उन्होंने 40,000 रुपए जमा कराए और उसके बाद दवाइयों के नाम पर हमसे कुछ ना कुछ पैसे लेते रहे। हम बार बार कहते रहे कि हमारे मरीज को हमारे हवाले कर दो, पर वह नहीं माने। हमसे हमारे मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया और अब उसको मृत बताकर इलाज के खर्च के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जब मृतक के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज की व जमकर मारपीट भी की गई। पुलिस फोर्स को बुलाया गया और JCB को पुलिस के हवाले किया गया। ग्राम कोयला में जब कोई पत्रकार स्टिंग के लिए जाता है तो खनन माफिया उल्टा उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने JCB को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये केवल एक आश्वासन बनकर ही रह जाएगा या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी।